हमें बचा ले बेटा। तुम यहाँ? मुझे तुम्हारी पूरी कहानी चाहिए। मेरी कहानी अभी अधूरी है, जब पूरी कर लूंगा तो दुनिया अपने आप जान लेगी। मुझे आगे की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की पिछली सच्चाई जाननी है। सच्चाई तो यह है कि लोग गुनाह करके सजा पाते हैं और मैं सजा काट कर आ रहा हूं। गुनाह अब करूंगा? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे मैं भी नहीं रोक सकता। इंद्रजीत, मैंने तुम्हें बचाने के लिए गवर्नर साहब से कहा कि तुम निर्दोष हो, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जजों से कहा कि तुम निर्दोष हो, महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा कि तुम निर्दोष हो। अब अगर तुमने कानून भी अपने हाथ में ले लिया तो मैं क्या कहूंगी? तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे मत बताओ, जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम नहीं बताओगे ना? इंद्रजीत, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, इस मंदिर को कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं। मंदिर? ये कौन मंदिर? हाँ, ये मेरा सिर्फ मंदिर ही नहीं, ये कुआं मेरे चारों धाम है, मेरा तीर्थ है, तीनों लोक है। कैसे? यहाँ एक बहुत सुंदर सा घर था, बहुत सुंदर सा परिवार था। पंडित जी, मुझे 5 लाख रुपए की डौरी की जरूरत नहीं है, मुझे तो अपने घर के लिए एक अच्छी सी बहू चाहिए, बस। फोटो मिलते ही घर आ जाइएगा। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे भाई, चाय का क्या हुआ, एक कप चाय लाने में इतनी देर? ये रही आपकी चाय। टेलीफोन पे किससे बातें कर रहे थे? अपने बेटे के लिए लड़की और तुम्हारे लिए बहू की तलाश कर रहा था। अरे डैडी, भैया के लिए भाभी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ढूंढ लेंगे। अच्छा? हाँ। एक मिनट जरा देखो तो। कहिए। ये इंद्रजीत का घर है? जी हाँ। आप इंद्रजीत के पिताजी हैं? जी हाँ। जीती रहो, जीती रहो। आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? जी जी, मेरी धर्मपत्नी अंदर है। आप इंद्रजीत की माँ है ना? जीती रहो। और आप इंद्रजीत की सिस्टर हैं? नाइस टू मीट यू। बेटी, तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो? मैं गीता हूँ, मैं इंद्रजीत से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसे कई बार कहा कि मुझे अपने घर ले चले, अपने माँ बाप से मिलवाए, मगर उसे चोर डाकुओं से फुर्सत मिले तब ना, इसलिए मैं खुद ही चली आई। अच्छा किया ना? लो भैया आ गए। बेटे एक काम करो, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ। जाओ, चल चल अंदर चल। आओ बैठो। हेलो डैड। हेलो मॉम। क्या बात है, घर में इतनी खामोशी क्यों? हम लोग हिसाब लगा रहे हैं। कैसा हिसाब? अपने नुकसान का। नुकसान का? जो तुमने किया है। हमने कौन सा नुकसान किया? कम से कम पूरे 5 लाख रुपए कैश का नुकसान किया तुमने। 5 लाख कैश? डैड, 5 लाख एक साथ देखा नहीं तो नुकसान कहां से करूंगा? देखो बेटे, इस शहर में बहुत से लखपति लोग हैं और उन लखपतियों की बेटियां भी कुंवारी हैं। मैं जब चाहता अपना बेरर चेक कैश करवा सकता था, मगर तुमने तो हमारा चांस ही कैंसिल करवा दिया। मॉम, आज डैड कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हमारे डैड तो वो हैं कि हर वक्त जेब की तलाशी लेते हैं, कहीं उसमें घुस का पैसा तो नहीं। देखो बेटा, और हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है जो हमारी बहू बनने के लायक है,
और तुम्हें शादी उसी से करनी होगी। ओह नो मॉम, यस सन, शादी तो उसी से करनी पड़ेगी। और एक बार लड़की को देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। मीना बेटी जरा लड़की को बाहर लाना। गीता तुम अब कहो ना, कहो के लड़की पसंद नहीं है, कहो कहो कहो। नहीं वो ये जिंदा या मुर्दा 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। ये तो बहुत कम है उस्ताद। 5 लाख हो या 5 करोड़, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। कैसा है रे तू? क्यों बे, क्या चल रहा है? सब ठीक है ना डार्लिंग? चाहो तो तुम 5 लाख कमा सकती हो। हाँ, भारत सरकार को मेरी तलाश है, जिंदा या मुर्दा। अच्छा? इधर लाओ, जरा मैं भी तो जानू तुम्हें फोन करने वाला कौन है। हेलो, मेरा नाम सुनकर फोन कट मत करना। कौन है? मेरा नाम है इंद्रजीत, पुलिस इंस्पेक्टर। आज किस लिए फोन किया? दिवाली की बख्शीश के लिए? बख्शीश तो हमें मिल गई, तुम जो मिल गए। भागने की कोशिश मत करना, तुम घिर चुके हो। चल फुट। डार्लिंग।